गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. जस्ट वोक अप, गॉट रेडी फॉर द डे. मैंने शूज़ चेंज नहीं किया क्योंकि अभी मैंने शूज़ लेने हैं वहाँ से. और अभी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ. गुड मॉर्निंग फ्रॉम नथिया गली. ये हमारे रूम से व्यू है, रूम / कॉटेज. ऊपर और ये जो मैं आपको कल दिखा रही थी. ये रही मैं, धूप ज़्यादा है और ठंड नहीं है, लेकिन मौसम प्लेजेंट है. तो चेक आउट द व्यू बिहाइंड मी. तो अभी बस हम लोग जाने लगे हैं नथिया गली और वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या सीन है. लीविंग दिस प्लेस, बाय बाय. और प्रिटी कॉटेज, बाय बाय मोनालिसा. गली बाजार राइट नाउ. आई हैव शॉप्ड फॉर शूज, तो मैंने खुद से लिए और मैंने कुछ खाया नहीं हुआ सुबह से. होटल में ब्रेकफास्ट था, लेकिन कौन सुबह 9:30 बजे उठे. भाई को ग्लास भी दे दे. तो अभी हम यहाँ पे हैं. तो हाँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. इट्स ऑलमोस्ट 1. आई शुड ईट समथिंग बिफोर आई पास आउट. मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कुछ खाने को. मैं अभी आई हुई हूँ बोरियो कॉफ़ी आइसक्रीम एंड फ्राइज. यहाँ से मैंने शॉर्मा लिया है, लस्सी का पता है. काफ़ी टाइम ले रहे हैं लोग. तो धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी है. मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ सारा. हेलो
लंच बफे विच वी आर नॉट हैविंग. पता नहीं क्या खाते हैं. द धूप इज़ वेरी तेज गाइस. यहाँ पे हर जगह फोटोशूट्स चल रहे हैं. Guys, can you see the rainbow? Yeah. These flowers are so pretty. पता नहीं कौन से हैं ये. They are so cute. इनमें ये वाइट कलर्स लगे हुए हैं और ये यहाँ पे पर्पल एंड पिंक. सो क्यूट पूरा ये यहाँ पे. ये भी हैं, ये वही वाले हैं. ओ वाओ, ये भी इतने क्यूट हैं. ये ख़राब है, ये ठीक है. ये वाला check this out. The view. लास्ट टाइम हम आए थे तो हम पता नहीं इधर कोई रूम था, हम लोग वहाँ रुके थे लाइक 2 years ago. The food is here. ये रहा चिकन पार्मेजान हाफ हाशी के पास है. क्लब सैंडविच काफ़ी डबल कर. अभी हमारी चिकन स्टेक आई है. Which one to get? यहाँ पे कोई है ही नहीं. We just went there and the food was really good. और मैंने आप लोगों को सारा दिखाया खाना जो हम लोग खा रहे थे. और अभी हम वेट कर रहे हैं, वी आर अबाउट टू लीव. और उसके बाद हमने जाना शंग्रीला रिजॉर्ट जहाँ हम आज रात स्टे करेंगे. वो मरी से आ गया थोड़ा सा तो बस हमने उधर जाना है. और पता नहीं मुझे सांस क्यों चला. सो दैट्स द अपडेट. वी आर अबाउट टू लीव. वी हैव अराइव्ड एट शंग्रीला रिजॉर्ट. वी आर स्टेइंग हियर फॉर टुनाइट. ये है सारा व्यू. We are at Shangri-La Hotels and Resort. This is the room we are staying at. 46. हमारे 2 rooms हैं, 46 और 47. सो ये हम बच्चों का. ये थोड़ी सी हालत इसकी ख़राब हुई हुई है क्योंकि जस्ट गॉट सेटल्ड इन. फर्स्ट लुक बहुत ज़बरदस्त कमरा है. लाइक खुला है और ये पीछे पूरी एक विंडो है जहाँ जहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं. तो ये मैं आप लोगों को दिखाती लेकिन अभी बहुत अंधेरा हो गया ना. ऑनेस्टली आई एम स्केयर्ड टू ओपन द कर्टन्स. पर लेट्स सी, अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा. पर यहाँ भी व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ भी बहुत अच्छा है. ये मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी. और अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करना है, फिर हम लोग देखेंगे कि डिनर का क्या करना है. क्योंकि अब तो टाइम नहीं है कि हम मरी वगैरह जाएँ, तो होपफुली डिनर इधर ही करेंगे. दैट्स मी. और ये रहा इनका मेन्यू, तो देखेंगे कि क्या क्या खाना है. और हाँ, कल जो मैंने नेल पॉलिश ली थी वो बहुत ही कोई फजूल नेल पॉलिश थी. वो उतर रही है बार बार. मतलब नीचे जो मैंने पर्पल लगाई हुई थी ना वो बार बार ऊपर आ रही है और अजीब ही. तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. फिलहाल तो हम गना रेस्ट बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड. सुबह से निकले हुए थे हम लोग, तो अभी बस लेटते हैं थोड़ी देर, फेसबुक पर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, देन आई विल कैच अप विद यू गाइस. मैं एक चीज़ वैसे सोच रही थी कि मैंने रूम टूर प्रॉपर नहीं करवाया. एक तो ये इन लोगों ने बॉटल्स दी थी पानी की, हम लोग जहाँ पे पहले रहे थे उन लोगों ने नहीं दिया था. साथ ये हैंड सैनिटाइज़र भी इन लोगों ने हर उसमें दिया है, रखा था हर रूम में. और फ्रिज जो था ये एम्प्टी है, मिनी बार, इसके अंदर जूस रखा है. एंड आई डोंट थिंक कि ये इट्स वर्किंग. और जो ये चप्पलें हैं वो मैंने पहन ली हैं. एंड डोंट वरी, मैंने रॉन्ग फीट में नहीं पहनी हुई, ये है ही ऐसी. और वॉट एल्स. हाँ, साथ ये है मी पेज पेन वगैरह, रिसेप्शन, रूम सर्विस और बाकी टीवी भी आई गेस के चलता है. लेट्स टर्न इट ऑन.
देखते हैं कि टीवी चलता है नहीं, क्योंकि दूसरे रूम का नहीं चल रहा था तो हमने रूम सर्विस वालों को बुला के तो चलवाया था। चलता है चलता है। फाइनली चिलिंग। थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन हो रहा है बिकॉज टुमारो वी हैव टू गो बैक, और अभी खाली 7:30 हुए हैं और अभी लाइक काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड करना, नाइट भी हम इधर ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि हम ये ट्रिप पता नहीं पूरे साल से प्लान कर रहे थे कि यार एक वीकेंड कहीं पे हमने स्पेंड करना है, तो फाइनली इट्स कमिंग टू एन एंड और परसों से फिर इंशाल्लाह वापस रूटीन स्टार्ट करनी है। लेकिन अभी कल का दिन है, कल वैसे हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो इल टेक टू ट्रैवल बैक टू इस्लामाबाद, पर उसके अलावा देखते हैं, अभी तो थोड़ी सी मैं सैड सैड सी फील कर रही हूँ। उसने जो ड्रेस पहना हुआ वो देखा, उसकी रजाई थी। पीछे आप लोगों को गानों की आवाज़ें आ रही होंगी, डांस पार्टी चल रही है ऊपर मेडिकल कंपनी में। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द बेल्कनी व्यू। आई जस्ट वोक अप, द व्यू इज सो ब्यूटिफुल, so pretty. अभी मैं आपको दूसरी विंडो से भी व्यू दिखाती हूँ। ये दूसरी विंडो से व्यू है, ये इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ट्रीज वगैरह ही है, लेकिन वहाँ से बहुत प्यारा लग रहा था। Going back, one last look. It is so cold. Hi everyone. तो हम लोग सुबह पहुंच गए थे घर तकरीबन 1 बजे, और उसके बाद बस इट वॉज एक्सट्रीमली लेज़ी डे, और कुछ भी नहीं किया, बस जो सामान वगैरह था वो ही समेटती रही मैं सारा दिन, और कल जाने ऑफिस जाने तो उसकी तैयारी, और बस और मैंने कुछ भी नहीं किया, नेटफ्लिक्स पे ढूंढती रही कुछ, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो ओवरऑल इट वॉज़ अ लवली ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पे वापस आके इतनी शदीद गर्मी लग रही है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे इतना ज़बरदस्त मौसम था, ठंड इतनी ठंड हुई हुई थी वहाँ पे नथिया गली में भी और मरी में भी, लेकिन यहाँ पे आके इतनी गर्मी लग रही है एकदम से। और उसके अलावा बस अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वेंट ग्रेट। आई रियली होप कि आप लोगों ने ये पूरा ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, वीडियो इन्जॉय की होगी। काफ़ी चीज़ें थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश की कि मैं रिकॉर्ड करूँ, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, और लाइक करें और कमेंट करें कि आपकी कौन सी पाकिस्तान में फेवरेट नॉर्दर्न एरियाज़ में से कौन सा ऐसा एरिया जो आपका फेवरेट है, जो आप विज़िट करना चाहते हैं या आपने किया
किया है और आपको पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.